दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में टेक्निकल लाइफ हैक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुमासू का डंप ट्रक 100 टन कैसे चलाएं और इसके क्या क्या फंक्शन है। पहले तो आपको उसको चलाने के लिए आपके पास हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो ही आप इसको चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसके केबिन के अंदर और इसके फंक्शन जानेंगे, क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं। तो आइए चलते हैं इसके केबिन में। तो दोस्तों, हम केबिन में आ चुके हैं। अब हम इसके कुछ बेसिक फंक्शन जानेंगे कि इसमें क्या क्या कंट्रोलर दिए हैं और किससे क्या होता है और उसके क्या फंक्शन हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे इसके ब्रेक के बारे में कि इसमें कौन कौन से ब्रेक दिए हैं और इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। तो हम ब्रेक की शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे पार्किंग ब्रेक से। ये दोस्तों, आपको ये एक स्विच दिख रहा होगा, ये हमारा पार्किंग ब्रेक है। जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए इस पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना पड़ता है, तो ही हमारा मशीन आगे चलेगा। अब बात करते हैं हम इसमें सर्विस ब्रेक के बारे में। ये आपको सर्विस ब्रेक दिख रहा होगा, ये हम जब डंपर चलाते हैं या हमारा डंपर ज़्यादा स्पीड चल रहा है तो हम इससे करके कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है उतना दबा के कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी ब्रेक के बारे में। जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा पैडल, ये हमारा इमरजेंसी ब्रेक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगे कि हमें अब इसका यूज़ करना चाहिए, कोई इमरजेंसी आ गई हो तब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारे चारों ब्रेक में इंगेज हो जाते हैं, चारों ब्रेक पकड़ लेता हमारा एक साथ। अब हम बात करते हैं रिटार्डर ब्रेक के बारे में। ये एक छोटा सा लीवर दिख रहा होगा आपको। ये क्या करता है कि हमारे इस डंपर में कुमास्तू ने एक लिमिट सेटअप किया हुआ है। जब हमारा डंपर की स्पीड जब 30 के ऊपर जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाएगा, तो हमारा ये क्या करेगा कि इसको हम बिना लगाए ही वो ऑटोमेटिक ही उस स्पीड को मेंटेन करेगा कि हमारा जो मशीन है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के ऊपर ना जाए। जैसे ऊपर जाएगा ये ऑटोमेटिक ही लगने लगेगा, जिससे हमारा मशीन सेफ जोन में सेफ स्पीड से चलेगा मशीन हमारा। और रिटार्डर ब्रेक चाहे तो हम मैनुअली भी लगा सकते हैं इसको, जैसे आप नीचे करेंगे धीरे धीरे तो वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे ब्रेक पकड़ता रहेगा। ये हमारा आ जाएगा तो हमारा फुल ब्रेक पकड़ लेगा। अब हम बात करते हैं इसके गियर लीवर के बारे में। दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा होता है, जिसके लिए ये डी पोजीशन पे लगा हुआ है, जिसको हम न्यूट्रल कर देते हैं। जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और हम सारे ब्रेक रिलीज़ कर देते हैं तो हमको 1, 2, 3, 4 नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट इसको हम डी पे भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट डी पे लगाने पे हमारा डायरेक्ट मूड पे चल जाएगा और हमारा मशीन ऑटोमेटिक ही गियर शिफ्ट होता रहेगा। हमें बैक गियर लगाने के लिए छोटा सा ये पुश बटन दिया है, इसको दबा के हम इसको आगे प्रेस करेंगे तो हमारा रिवर्स लग जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे डंपर में जो डंप बॉडी है उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आपको ये लीवर दिख रहा होगा, अब ये डाउन पोजीशन में है तो हमारा डंप बॉडी भी डाउन पोजीशन में है। जब हमारे डंप बॉडी में कोयला या ओवरलोड हो जाता है तो उसे हमको डंप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जहाँ पर हमें लोकेशन दिया रहता है हम वहाँ पर जाकर इसको डंप करते हैं। तो ये मान लीजिए इसको हम जब अप करेंगे तो हमारा ये अप पोजीशन में जाके अपने आप होल्ड हो जाएगा मैग्नेटिक के थ्रू, उस पोजीशन में जाके ऑटोमेटिक डाला उठेगा और एक लेवल में जाके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जब रुकने के बाद ये ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगा, फिर हम इसको डाउन पोजीशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही ये धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। और दोस्तों, इसमें एक फीस और दिया हुआ है, अगर हमारा डंप बॉडी उठा हुआ है तो हमारे जो मशीन है वो हमारे बैक गियर में नहीं जाएगा। और हमारा जब हम इसको डाला उठा हुआ है, जिसे हम डंप बॉडी बोलते हैं, अगर हमारा डंप बॉडी उठा हुआ है तो हमारा जो गियर है
वो F2 यानी 2 नंबर के ऊपर नहीं जाएगा, वो जब तक नहीं जाएगा जब तक कि हमारा डंप बॉडी पूरा नीचे ना आ जाए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं डंपर के डैशबोर्ड पे चलते हैं, जैसे हमारा कारों में दिया रहता है डैशबोर्ड, इसी तरह डंपरों में भी दिया होता है डैशबोर्ड कि इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कौन सा स्विच किस काम में आता है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लेफ्ट साइड से। आपको ये दिख रहा होगा ये हमारा रियर लाइट स्विच है, ये हमारा फोग स्विच है, फोग लाइट स्विच। और दोस्तों ये दोनों स्विच जो आपको दिख रहे होंगे ये हमारा फंक्शन सेलेक्टर स्विच है। इससे क्या होता है कि जब हमारा डंपर चल रहा होता है या किसी कारण से हमें डंपर में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई कोड आ रहे हैं या कोई इरर कोड आ रहा है, तो उससे हम इस बटन से फंक्शन स्विच से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कोड कहाँ पे है क्या है, तो उससे हम इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और आपको दोस्तों ये एक छोटा सा दिख रहा होगा ये हमारा ब्राइटनेस को अप एंड डाउन करने के लिए दिया होता है, जैसे नाइट में क्या होता है जब हम लाइट ऑन करते हैं तो ऑपरेटर को चलाने में दिक्कत ना हो, जिससे हमारा डैशबोर्ड का जो लाइट है वो हम इस स्विच से इस रेगुलेटर से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये जो आप देख रहे होंगे ये हमारा लाइट स्विच है, वर्किंग लैम्प स्विच है, ये हाफ लाइट हो गया, ये हमारा फुल लाइट हो गया और ये हमारा अपर डिपर हो गया। और इसमें दोस्तों साथ में ही हमारे इंडिकेटर का भी दिया है लेफ्ट के लिए लेफ्ट, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है राइट लेफ्ट और ये पास लिखा हुआ है, मट्टी से शायद दिख नहीं रहा है, वो दिखाता हूँ आपको, देखिए पास लिखा हुआ है, तो हमें जैसे पासिंग चाहिए होता है तो उसको हम अप करते हैं तो पास में दे देता है। और इसके नीचे एक स्विच दिख रहा होगा गोला सा दिख रहा होगा, ये हमारा फ्रंट वाइपर का होता है स्विच होता है, ये एक पुश बटन दिया है, इसमें क्या होता है कि ये मैं पुश बटन जो दिया इसको दबाने पे हमारा जो वाइपर का जो वाटर टैंक होता है उससे हमारा पानी और वाइपर दोनों एक साथ चलते जैसे हमारा कारों में दिया रहता है। और ये दोस्तों ये छोटा सा स्विच आप देख रहे होंगे लीवर जो आपको दिया है, ये हमारा क्या करता है, ये हम इसे एक स्पीड में लिमिट कर सकते हैं कि हमें इतने स्पीड में डंपर को चलाना है, तो हम ये 30 के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको 20 पे सेट कर दें तो हमारा 20 के ऊपर नहीं जाएगा, 25 कर दें तो हमारा 25 के ऊपर नहीं जाएगा, तो एक हमारा ये स्पीड सेट करने के लिए दिया होता है। बट दोस्तों ये कुमासू द्वारा ये सेट किया रहता है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसको करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कुमासू वालों के पास में ही है, जो हमें प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। अब ये हमारा राइट हैंड साइड का स्विच हो गया, ये हमारा ऑटोमेटिक जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करने का स्विच दिया हुआ है, वहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड में दिखाता है कितने स्पीड में चल रहा है। ये हमारा हजार लाइट हो गया है, जैसे नाइट में हम लोग जिसको आप लोग डीपर बोलते हैं या जो कभी मशीन ब्रेकडाउन हो गया या हमारी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है रास्ते में कहीं, तो हम डीपर जला देते हैं कि हमारे चारों इंडिकेटर के साथ काम करता है, जिससे आने वाली गाड़ियों को लगे कि हाँ यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। और दोस्तों ये जो स्विच दिख रहा है आपको ये हमारा स्विच है लो आइडल स्विच, मान लीजिए हमारा जो डंपर चल रहा है 1000 RPM पे चल रहा है, तो हम इसको करने पे हमारा ये आइडल जो है स्पीड हमारा कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे हमारा जो फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम रहेगा। और दोस्तों ये जो हमारा स्विच दिख रहा है ये हमारा पावर मोड है, एक इको मोड होता है, एक हमारा होता है पावर मोड। पावर मोड में क्या होता है दोस्तों, जब हम ज़्यादा लोड ले लेते हैं या हमारे डंप बॉडी में मतलब जो हमारा कैपेसिटी है कैपेसिटी से ज़्यादा लोड ले लेते हैं, तो हमारा जो चढ़ाई है उस पर ना चढ़ता है तो हम इसको पावर मोड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा मशीन उस पर चढ़ जाता है, आराम से हम चला सकते हैं डंपर को। और दोस्तों ये आपको गोला से दिख रहा होगा रेड कलर का वाइट सर्कल टाइप का, ये हमारा दोस्तों इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच क्या होता है, इन केस हमारा जैसे मैं डंपर चला रहा हूँ या मशीन चला रहा हूँ, इमरजेंसी में हमारा इंजन बंद हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जिसके कारण हम स्टेयरिंग नहीं काट सकते हैं, तो हम ये अगर स्विच को दबाएंगे तो हमारा स्टेयरिंग जो है 90 सेकंड तक का चलेगा, और वो हमें 90 सेकंड का मौका देगा कि आप डंपर को कहीं किनारे सेफ जोन में ले आके खड़ा कर सकते हैं।
और अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट दे सकते हैं कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर मॉनिटर में, देखते हैं उसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये आपको दो गेज दिख रहे होंगे, H और C। ये पहला वाला जो दिया है, ये हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, लेवल गेज दिया हुआ है कि हमारा ये कितना टेम्परेचर चल रहा है। और दोस्तों, इसको नीचे ही दिया है हमारा ट्रांसमिशन टेम्परेचर गेज। ये गेज दोस्तों हमारा रेड जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर रेड जोन में जा रहा है तो इसका मतलब मशीन में कुछ दिक्कत है, जिसके कारण हमारा मशीन ओवरहीट हो रहा है। और दोस्तों, ये हमारा दिख रहा है RPM गेज है, कितने RPM डंपर हमारा रन कर रहा है, इंजन रन कर रहा है कितने RPM पे। अगर 10 पे जाएगा तो हमको 100 से इंटू कर देना है, तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम जितना भी इतना कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा RND65432L। ये दोस्तों, जब हम गियर शिफ्ट लीवर को चेंज करते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर आता है कि हम अभी क्या लगाएं। अगर न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल शो करेगा, डीप किए तो डी करेगा, रिवर्स किए तो रिवर्स करेगा, इंडिकेट करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा किलोमीटर आवर गेज है, कितने किलोमीटर रेंज पे हमारा चल रहा है, कितने स्पीड गेज है, कितना स्पीड चल रहा है वो दिखा रहा है। और उसके जस्ट बगल में दोस्तों, ये हमारा दिखा रहा है, ये हमारा ब्रेक प्रेशर का जो टेम्परेचर होता है उसका शो कर रहा है। ये ब्रेक प्रेशर टेम्परेचर सेंसर, ये गेज है जो हमारा बताता है कि हमारा ब्रेक का टेम्परेचर कितना है। और ये दोस्तों हमारा ये फ्यूल है, फ्यूल गेज है, कितना बताता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं की के ओर, मशीन की जो है, ये हमारा मशीन की है जिससे हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे AC कंट्रोल पैनल की। तो दोस्तों, हमारा ये AC कंट्रोलर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हम इससे AC को ऑन करते हैं, इससे हम AC के कंप्रेसर को ऑन करते हैं। और दोस्तों, ये हमारा मोड दिया हुआ है डक्ट का, इनर आउटर का। इससे क्या होता है, इससे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमको अंदर की हवा चाहिए या बाहर की हवा चाहिए। जैसे हमारा कॉलम दिया होता है इनर आउटर का, वो दिया है। और दोस्तों, ये हमारा हाई और लो दिया है, ये फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल करता है कि हमारा फ़ैन की स्पीड हाई करना है या लो करना है। और दोस्तों, ये हमारा दिया है कूलिंग और हॉट का। अगर हमें ठंडी है तो हमें गर्म हवा चाहिए तो हमको इसको दबाना होता है, और कूलिंग चाहिए गर्मी में तो हमको ये कम करना होता है। और दोस्तों, ये हमारा मोड दिया हुआ है, हमें क्या फेस पे हवा चाहिए या बैक में चाहिए या हमारे फुट पे चाहिए, इसके लिए दिया हुआ है। और दोस्तों, ये हमारा दिया है विंडशील्ड के लिए दिया है कि हमारा जैसे ठंडियों में क्या होता है, कभी कभी हमारे स्किन फ्रंट ग्लास पे हमारा कभी फॉग जम जाता है, तो हम ये दबाएंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा कूल हवा जाएगा और फोक को हटा देगा पूरा। दोस्तों, चलिए हम दिखाते हैं आपको चाबी ऑन करके क्या सिस्टम है इसके। अभी हम इसको करते हैं ऑन, ये ऑन किए। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ देर में चलेगा जब तक ये सेंस करता है कि क्या है। देखिए, आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। ये हम फैन की स्पीड कम कर दिए हैं कि ज़्यादा आवाज़ ना आए। देखिए दोस्तों, अभी ये टोटल कूल पे है। हमें ठंडियों में क्या होता है कि हमको गर्म हवा चाहिए होता है, तो हम इसको करेंगे तो ये हमारा ये फुल पे जाएगा, जितना जाएगा उतना कर उतना गर्म हवा आपको मिलेगा। और ये इसे देखिए फुल स्पीड हो जाएगा, देखिए ये फुल स्पीड हो गया है। देखिए दोस्तों, ये मोड है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, देखिए मोड आ गया। ये नीचे हवा देगा, पैरों पर हवा देगा ये। अब ये देखिए क्या है, पैरों में हवा देने के साथ साथ हमारे ये यहाँ पे हमारे ये बने हुए हैं, ये हमारे बने हुए हैं, इसमें हवा आएगा, हमारे सीधे शीशे पे आएगा। चलिए इसको करते हैं बंद। और चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने की ऑन कर लिया है। अब देखिए, हमारा जो गियर शिफ्ट लीवर है, हमारा अभी न्यूट्रल पोजीशन में। देखिए, हम रिवर्स लगाएंगे तो भी हमारा आर पे ब्लिंक करेगा, देखिए। और हम जैसे इसको न्यूट्रल करेंगे तो हमारा एन पे ब्लिंक करेगा, और हम डीप करेंगे तो हमारे डी पे ब्लिंक करेगा, आपको दिख रहा होगा। अभी ये आ रहे हैं क्योंकि हमारा अभी बंद है, तो बंद कंडीशन में क्या है कि, हाँ दोस्तों, एक बार और बताना चाहूँगा, अगर हमारा ये गियर लीवर अगर डीप है तो हमारा ये डंपर स्टार्ट नहीं होगा,
ये सेफ्टी फीचर्स में आते हैं, सेफ्टी फीचर उसमें बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं कि हमारा क्या होने से क्या काम नहीं करेगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। और ये इसका दोस्तों कैमरा दिया हुआ रियर व्यू का, जैसे हम गाड़ी अगर बैक कर रहे हैं, मशीन बैक कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से दिखता तो है नहीं क्या है। ये लुकिंग ग्लास दिए हैं छोटे छोटे जिसमें क्लियर समझ में नहीं आता है, तो वो नाइट में क्या होता है अच्छे दिखते हैं हमें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा मेरे वीडियो कैसा लगा आपको। ओके दोस्तों, थैंक यू।